खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1846 पर पहुंच गई है, जबकि सूबे में अब तक 92 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इंदौर में 1029 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में अब तक 360 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, इनमें से 7 की मौत हो गई है, जबकि 73 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा खरगोन में 61 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 102 मरीज कोरोना संक्रमित है। जबलपुर में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। तो 1846 हुई है एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो लगातार और शरद हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 1846 हो गया है आंकड़ा। देखिए, आयुष विभाग ने जो आंकड़ा एक बार फिर से अपडेट किया है उसके मुताबिक यदि हम देखेंगे तो चिंता का विषय जरूर बनता है, क्योंकि 1800 के ऊपर ही आंकड़ा निकल चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जिसमें मरने वालों की संख्या 92 है। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या 56 जो वर्तमान में ताज़ा आंकड़ा अपडेट हुआ है अभी उसके अनुसार 56 मौत इंदौर में हो चुकी है कोरोना के चलते। अब तक भोपाल में 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कल जो आंकड़ा एक बार फिर से अपडेट हुआ उसमें 2 लोगों की और मौत हुई है, जिसमें अब 9 लोगों की संख्या हो चुकी है। उज्जैन में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह से जो आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो मृत्यु दर है वो पहले की तुलना में बहुत कम हो चुकी, क्योंकि पहले बल्क में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय मृत्यु दर के सिमिलर हो चुकी थी मध्य प्रदेश में मरने वालों की मृत्यु दर 10%, लेकिन अब वो घटकर 4.8% हो गई। तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन भी है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल ये आंकड़ा है और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के तहत आज सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा जो दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, उनको खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन उसके दिशा निर्देश का पालन करना होगा। दिशा और स्थिति का जायजा लेने के अनुसार ही ये चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन, इन 4 जगहों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। बिल्कुल, जिन इलाकों में छूट मिली है, ग्रीन जोन जिसकी आप बात कर रहे हैं, लगातार उन इलाकों में कुछ दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी और तमाम चीज़ें की लोग भीड़ लगाकर कहीं इकट्ठे ना हो, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं खास ध्यान यहाँ के प्रशासन को रखना होगा। देखिए, प्रशासन को ध्यान रखने से ज्यादा जरूरी है लोगों में इस चीज की जागरूकता होना कि यदि इस तरह की उन्हें छूट मिली है तो उस छूट का दिशा निर्देश के रहते हुए और खुद की स्वयं रक्षा के तहत वो इस चीज का पालन करें, और इस चीज का पालन करने के साथ साथ ही वो बाजारों की तरफ रुख करें, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि जब जब छूट मिली है तो एक बल्क में लोग घरों से निकलते हैं, एक बड़ी संख्या में फुटप्रिंट्स बाहर आते हैं और उसके बाद वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मुहिम है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। तो लोगों में जागरूक होने की बहुत जरूरत है। पुलिस प्रशासन की बात करें या जितने भी कोरोना वॉरियर्स की बात करें, लगातार जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से ये बिना घरों में जाए हुए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उन नियमों को दरकिनार करती है। लेकिन अब जो छूट मिली है इसमें यदि जनता थोड़ी सी जागरूक होती है तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय के लिए जो बंद था, आर्थिक गतिविधियां जो रुकी हुई थी, वो एक बार फिर से संपन्न होती हुई नजर आएगी। जी शरद, अगर बात करें कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, इंदौर में तो जाहिर सी बात समझा जा सकता है क्योंकि वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और वहां पर तो किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई होगी प्रशासन की तरफ से। देखिए, इंदौर में 53 जिलों में से 4 जिले जो ऐसे हैं जिनमें छूट किसी प्रकार की भी नहीं है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, खरगोन, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। इंदौर, उज्जैन, खरगोन और भोपाल, ये 4 जिले सबसे महत्वपूर्ण है
जहां पर सबसे तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसीलिए इन जगहों पर किसी प्रकार की छूट नहीं है। इंदौर में खासतौर पर नहीं है, भोपाल में समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद देखा जाएगा, यदि जरूरत पड़ी तो ही खोला जाएगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा संख्या में जितने भी कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, वो अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, पुलिस संक्रमित हो चुकी है, तो इसीलिए इस चीज को बहुत सावधानी पूर्वक आगे प्रशासन कदम उठाता हुआ नजर आएगा। एक खास चीज ये है कि भोपाल में अभी तक जितने भी मरीज मिले उनकी संख्या 18 से 55 वर्ष की है, तो ये महत्वपूर्ण बात, ये साइन मिलता है कि एक ओल्ड एज होते हैं जिनकी एक उम्र ज्यादा होती है उनमें इस तरह की चीजें नहीं पाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन भी है, तो रिकवर होने की स्थिति भी इन लोगों में बेहतर मानी जा रही है, इसलिए मौत का आंकड़ा भोपाल में अपेक्षाकृत इंदौर के कम है, लेकिन इंदौर में एक जो ओल्ड एज है उनमें ज्यादा इस तरह का मिल रहा है, तो उसमें एक तरह से समस्या जरूर बनी हुई है। हालांकि 25 लाख लोग तकरीबन 548 क्वारंटाइन सेंटर बने हैं पूरे प्रदेश भर में, क्षेत्र बने हैं, उन सभी में तकरीबन 26 लाख लोग रहते हैं, 25 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है, उसमें से कम पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 लाख लोगों का वो सर्वे बाकी है, और उसके बाद जो भी लगातार आगे मरीज मिलते जाएंगे, क्वारंटाइन क्षेत्र बनाए जाएंगे, उनको तत्काल टास्क फोर्स की मदद से उनको जल्द से जल्द क्वारंटाइन कर लिया जाएगा, उनको तत्काल उनकी जांच कर ली जाएगी, इस तरह का एक प्लानिंग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई गई है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, लेकिन इस मामले में एक बात और नई खास जुड़ी है कि इसमें प्लाज्मा पद्धति के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से भी अब मरीजों को ठीक करने की मुहिम शुरू होगी। नियम कायदों के साथ साथ सभी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, दिल्ली के सीएम साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि 4 लोगों पर इसका यूज किया गया है और रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे हैं, और आगे भी हो सकता है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के कुछ और ऐसे मरीज हैं जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से इन 4 मरीजों का फीडबैक मिला है उसी तरह से बाकी में भी, तो ये जिस तरह से कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल, देखिए प्लाज्मा थेरेपी का सीधा सा उद्देश्य यही है, प्लाज्मा थेरेपी असल में होती क्या, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जिसके बॉडी में संक्रमण को मारने के लिए एंटीबॉडी नहीं बनता, एंटीबॉडी बनने लग जाता है, उसके माध्यम से इसको प्लाज्मा निकाला जाता है, और जिन लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनता यानी कि संक्रमण को मारने वाला जो पदार्थ नहीं बनते उसमें इसको डाला जाता है, उसके माध्यम से ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, ताकि इस तरह के वायरस से निपटने की कोशिश, निपटने के साथ साथ ही जल्द से जल्द रिकवर वो पेशेंट किया जा सके। इसी पद्धति से दिल्ली में जो अभी शुरुआत हुई उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वही मध्य प्रदेश में शुरुआत की जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह के रिजल्ट्स मिले, और रिजल्ट्स मिलने के साथ साथ ही क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने 28 अलग अलग जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से या अलग अलग बड़े अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और सभी ने अपनी अपनी चीजों से अवगत कराया है। अवगत कराने के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी अनुमति मिली है कि वो भी इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है में कमी देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इस पद्धति के माध्यम से उनको बेहतर और ठीक इलाज मुहैया कराया जा सके। जी चलिए, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद पर बना रिकॉर्ड, साल 2017 से 18 में 21 दिन में 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, इस बार 9 दिन में हुई है 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, अब तक 11 करोड़ रुपए का भुगतान खातों में पहुंचा है, 350 करोड़ रुपए सरकार ने बैंकों को भुगतान के लिए दिए हैं। कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के 9वें दिन ही 11 लाख मीट्रिक टन खरीद का आंकड़ा छू लिया गया। पिछले साल इस आंकड़े तक पहुंचने में 21 दिन लगे थे, 2017 से 18 में 20वें दिन 10 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी हुई थी, अब प्रतिदिन 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा रहा है, जो आंकड़ा पिछले साल 26वें दिन पहुंच पाया था। ये स्थिति भी तब है जब शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए सीमित संख्या में किसानों को खरीदी केंद्रों पर बुलाया जा रहा है। शरद, जिस तरह से शरद हमारे साथ बने हुए, शरद ये एक और नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदा गया है इस साल।
बिल्कुल देखिए, किसानों के लिए एक अच्छी खबर इसको कहा जा सकता है। किसानों के लिए बेहतर आजीविका का पालन करने का एक माध्यम माना जाता है जो अनाज वो बोते हैं और उसके बाद उसकी बिक्री सबसे महत्वपूर्ण होती है। सरकार ने इसका बेड़ा उठाया। सरकार चूंकि हर बार इस तरह की प्रक्रिया को संपन्न करती है, 2017-18 की बात करें तो तकरीबन 21 दिन लगे थे, लंबा समय लगा था एक खरीदी करने में, और खरीदी करने के साथ साथ तकरीबन 11 लाख मेट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया था जिसकी राशि उनको उनके खातों में दे दी गई थी। अब ये चूंकि वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसके तहत एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें 9 दिनों में ये आंकड़ा छू लिया है, और इसका पूरा उन्होंने ब्यूरा भी मुख्यमंत्री को, तमाम मंडी जितनी भी है मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है कि इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से, क्योंकि 4000 सेंटर बनाए गए थे, हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी, 4000 सेंटर से जितने भी किसान मध्य प्रदेश के जिनकी खड़ी फसल, जिन्होंने अपना गेहूँ निकाल लिया, अनाज निकाल लिया, उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू करे, इसके लिए उन्होंने ओपन कर दिया था कि किसी कोई भी किसान किसी भी मंडी में किसी व्यापारी को जाकर अपना अनाज बेच सकता है। दूसरी चीज ये भी की थी कि यदि किसान के पास कोई व्हीकल नहीं है या उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है अपने अनाज को मार्केट तक लाने, मंडी तक लाने में, तो व्यापारी खुद उसके घर तक जाएगा और घर तक जाने के साथ साथ ही उससे अनाज खरीदेगा। तो इन सभी चीजों को, प्रक्रिया को संपन्न कराया गया जिसके माध्यम से वर्तमान में जो चीज दिखाई दे रही है वो यही हुई है। देखिए, 2017-18 में आंकड़ा आया था, उसके बाद 2018-19 में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान गेहूं खरीदी नहीं हुई थी, इसी के चलते ये बीच में खरीदी न होने की वजह से लेकिन एक बार फिर से खरीदी हुई है, तो किसानों को जरूर इसकी राहत मिलेगी। और सरकार ने पूर्व में इस बात को विदित किया था कि किसानों की अनाज को खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि किसानों का एक एक दाना जो उन्होंने खेतों में बोया है उसको सरकार खरीदेगी और लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेगी, मंडी तक के व्यापारी भी उसे खरीदने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इसी चीज के तहत उन्होंने 350 करोड़ रुपए जो राशि होती है वो पूर्व में उन्होंने बल्क में सभी बैंकों में जमा कर दी है ताकि आने वाले समय में, यानी 25 अप्रैल से दोबारा से एक बात होगी खरीदी की, गेहूं खरीदी की, तो दोबारा से ही लोग इस खरीदी कर सकेंगे, व्यापारी खरीदी कर सकेंगे और किसान अपनी फसल को बेच भी सकेंगे। तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। इस कोरोना के बीच में जब एक पैसों पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदा भी आई है जिसकी वजह से कुछ किसानों की हालांकि फसल खराब हुई है, इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उन किसानों का भी पैसा उनको मिल जाए, क्योंकि उन्होंने भी एक कड़ी मेहनत के बाद फसल इकट्ठी की थी, लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदा आई, मौसम बारिश हुई, इसी के वजह से उनकी फसलें खराब हुई है, तो उसको लेकर भी वो आगे रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो एक बेहतर साइन माना जा सकता है मध्य प्रदेश के लिहाज से, किसानों के दृष्टिकोण से और किसानों की भी आमदनी के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए पूरी टीम को बधाई भी दी है। और वहीं लॉकडाउन के चलते जो जहां था वहीं फंसा रह गया, ऐसे में छत्तीसगढ़ के 2300 छात्र भी पिछले एक महीने से राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। अब इन छात्रों को वापस लाने छत्तीसगढ़ सरकार ने 75 बसों को कोटा के लिए रवाना किया है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से करीब 2300 छात्र पढ़ाई के लिए कोटा गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब वहीं फंस गए हैं। पिछले एक महीने से ये छात्र घर वापस लौटने की आस लगाए बैठे थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बच्चों को वापस लाने के बाद छत्तीसगढ़ के परिजन भी सरकार पर दबाव बना रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि छात्रों को लेने के लिए बस भेजी जाएंगी। सरकार ने अब इन छात्रों को वापस लाने छत्तीसगढ़ से 75 बसें रवाना की हैं। इनमें से हर एक बस में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से एक महिला और एक पुलिसकर्मी भी भेजा गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष की तरफ से यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि क्या देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल्द ही मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 1 लाख मजदूरों की जानकारी उनके पास है, आगे भी जानकारी जुटाकर मजदूरों को वापस लाया जाएगा। कोटा में फंसे हुए हमारे छत्तीसगढ़ के कोचिंग के लिए गए बच्चों को लाने के लिए बसों की रवानगी हो चुकी है और उसमें अधिकारी भी रखे गए हैं, एम्बुलेंस भी है, क्योंकि भारत सरकार से हम अनुमति चाह रहे हैं कि जो विभिन्न राज्यों में फंसे हमारे मजदूर हैं उसको भी हम ला सकें। जैसे भारत सरकार से सहमति बनती है, अनुमति मिलती है, तो विभिन्न राज्य में फंसे हुए मजदूर हैं उनको भी हम छत्तीसगढ़ लाएंगे। बिल्कुल नहीं, उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, पूरे स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी उनके घर में जाने की अनुमति मिले। लॉकडाउन की अवधि के बीच स्कूल फीस वृद्धि को लेकर
अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि आप निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। लॉकडाउन की अवधि के बीच किसी भी तरह से स्कूल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जबकि हर साल निजी स्कूल फीस में 10% वृद्धि कर देते थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि निजी और सरकारी स्कूल किसी भी तरह से लेट फीस नहीं वसूलेंगे। जो पेरेंट्स लॉकडाउन के बीच कुछ परिस्थितियों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 का बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे, वो बकाया शुल्क 30 जून तक जमा कर सकेंगे। इसे जमा करने के लिए किसी भी तरह से विलंब शुल्क लेट फीस स्कूल को नहीं दे सकेंगे। स्कूल वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के आगामी आदेश तक निजी स्कूल फीस में किसी भी तरह से कोई वृद्धि नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को यह आदेश जारी किया है कि अभिभावकों से फीस की एक मुश्त राशि लेने के लिए उन पर कोई दबाव न बनाया जाए। फीस जमा न करने के कारण किसी भी छात्र या छात्रा का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। गुलजन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।